डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सो क्या आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ PPSC, NTS या FPSC के पेपर को क्लियर करने की सिंपल सी टिप जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ ही करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से रिलेटेड Part 4 वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और जो पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनको मेमोराइज़ करना है। डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि जब भी हम PPSC में या किसी और दूसरे एग्ज़ाम में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में और पेपर कंडक्ट होने में तकरीबन 2 मंथ्स का गैप होता है। तो अगर आप एक रूटीन बना लें कि डेली आपने 30 MCQs करंट अफेयर से रिलेटेड मेमोराइज करने हैं और 30 MCQs आपने स्टैटिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड मेमोराइज करने हैं, तो एक महीने में आप तकरीबन 1800 के करीब MCQs मेमोराइज कर लेंगे। इसी तरह 2 महीने में आप राउंड अबाउट 4000 के करीब MCQs जो हैं वो मेमोराइज कर लेंगे। और जब आप पेपर में जाएंगे तो इन 4000 MCQs के साथ आपका पर्सनल नॉलेज भी होगा, जो कि आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा। तो 4000 MCQs मेमोराइज़ करने के साथ और पर्सनल नॉलेज के साथ आप PPSC, FPSC या किसी भी पेपर में 50+ स्कोर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को रूटीन में शामिल कर लें कि आपने डेली के तकरीबन 60 MCQs जो हैं वो मेमोराइज़ करने हैं। इस प्रैक्टिस को जारी रखें, इंशाल्लाह 2 से 3 अटेम्प्ट्स में आप पेपर को आसानी से क्लियर कर लेंगे और आपका नॉलेज जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि जो नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो आपको कितना हेल्पफुल है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ।